नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं नोट्स को दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आगे की चीज़ों को बताऊंगा कि हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। इस नोट्स को आप लोग देख सकते हैं किस चीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को एक बार ऊपर से नीचे तक मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भरोसा हो सके कि मैं उत्तम कॉन्टेंट बना रहा हूँ। जो भी चीज़ आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ यूट्यूब पर ऐसे नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस नोट्स को पहले शुरू से लेकर अंत तक एक बार नज़र दौड़ा लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को देखेंगे। अंत में जो है यह शकों की उत्पत्ति व प्रसार पर जानेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे, देख लीजिए शकों की प्रमुख शाखा कौन कौन सी है उसके बारे में, और अंत में हम लोग क्या चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसे देख लीजिए, शक वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से रहे हैं और प्रमुख तथ्य क्या रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस नोट्स को चाहिए, अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप लोग और पा सकते हैं। बाकी चीज़ें आप लोग व्हाट्सएप मैसेज पर बात कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं शुरू से। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभ से। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने अध्याय 13 के भाग 7 तक के वीडियो को देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शकों के इतिहास के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में यानी भाग 7 वाले वीडियो में हम लोगों ने हिंद यूनानियों के बारे में देखा था। हम लोग पढ़ रहे थे भारत के साथ किसका संबंध, तो मध्य एशिया का भारत के साथ संपर्क, ये पढ़ रहे थे। शकों के इतिहास के क्रम में फ्रेंड्स, रुद्रदामन एक क्षत्रप थे, महाक्षत्रप थे, उनके बारे में जानना है। बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहे हैं इनके बारे में। इनका जूनागढ़ का एक अभिलेख है, वह काफ़ी फेमस है, वह गुजरात के काठियावाड़ में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएगा। इस वीडियो के विषय सूची को सबसे पहले देख लीजिए कि हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शकों के इतिहास के कौन कौन से साधन मौजूद हैं उसके बारे में देखेंगे कि शकों के इतिहास की जानकारी हमें किन किन चीज़ों से मिलती है या प्राप्त होती है। उसके बाद देखेंगे शकों की उत्पत्ति और तथा इनका प्रसार किस तरीके से होता है भारत के पश्चिमोत्तर इलाके में तथा भारत के अफगानिस्तान वाले इलाके में किस तरीके से वे आते हैं तथा उनका कौन कौन सा नेटवर्क जाल बिछता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग शकों की प्रमुख शाखा कौन कौन सी है, वह प्रमुख शासक कौन कौन से हैं उनके बारे में, और अंत में जूनागढ़ अभिलेख के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। संस्कृत भाषा में जारी भारत का प्रथम अभिलेख माना जाता है फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा। संस्कृत भाषा में पूरा विशुद्ध संस्कृत भाषा में वर्णित है यह अभिलेख, तो ध्यान रखिए। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है लेकिन भाषा संस्कृत है, ध्यान में रखिएगा। आइए शकों के इतिहास के साधन पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, शकों की प्रारंभिक जानकारी जो है हमें चीनी स्रोतों से प्राप्त होती है। चीनी स्रोत या चीनी ग्रंथ जो होते हैं उन्हीं से मिलती है। पानकू और फान ए दो विद्वान हैं चीनी साहित्य के, ध्यान रखिएगा। चीनी इतिहासकार हैं फ्रेंड्स पानकू और फान ए, उन्हीं द्वारा पुस्तक लिखा गया है। पानकू के द्वारा लिखा गया है सीएन हांसू और फान ए के द्वारा लिखा गया है हाउ हांसू। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हाउ हांसू लिखा गया है। इसमें सीएन हांसू में प्रथम हान वंश का इतिहास है और हाउ हांसू में किनका इतिहास है, तो इसे हम लोग जान लेते हैं। एक मिनट रुक जाए, इसको मैं नीचे कर लूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से, परवर्ती हान वंश का इतिहास यानी बाद का, प्रथम हान वंश का इतिहास और बाद के हान वंश का इतिहास, इसी से हम लोगों को शकों के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी आगे भी। यहाँ पर चीनी ग्रंथ में फ्रेंड्स एक बात दीजिए, चीनी ग्रंथ व लेखक शक को फ्रेंड्स लिखते हैं सई या कहीं पर सई वांग, यानी चीनी ग्रंथ के जो भी किताब हैं या ग्रंथ हैं या जो भी लेखक हैं वो शकों को सई लिखते हैं या सई वांग लिखते हैं। शकों को सई या सई वांग दो नामों से उल्लिखित करते हैं या उद्धृत करते हैं। आइए अब आगे की चीज़ों को देख लेते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं इतिहास, तो इसके इसको ऊपर कर दो, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। सीएन हांसू और हाउ हांसू आप लोग समझ ले गए होंगे, तो इनके अध्ययन से यूची हूण तथा पर्थियन जाति के साथ शकों के संघर्ष तथा उनके प्रसार का ज्ञान प्राप्त होता है। इन दो किताब जो था फ्रेंड्स, जो सीएन हांसू और हाउ हांसू, जिसमें कि किन के बारे में वर्णित है, तो हान वंश के बारे में और परवर्ती हान वंश के बारे में, उन्हीं के इतिहास के बारे में वर्णन है। इनसे यूची हूण पर्थियन आदि जातियों के संघर्ष तथा उनके प्रसार यानी फैलाव के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है।
यूची कौन थे फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, एक चीनी जाति थी जो एक तरह शकों को पराजित की थी, शकों को खदेड़ी थी। हम लोग आगे देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूची, तो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अब देख लेते हैं भारत में शासन करने वाले शकों की जानकारी किन किन चीज़ों से मिलती है। अब भारत के पहले तो चीनी लेखकों के द्वारा हम लोग जानकारी प्राप्त किए। अब भारत में, भारत के जो शक थे, जो भारत में आकर के राजा बने शक, उनके बारे में हमको जानकारी किन किन चीज़ों से मिलती है, तो शकों के लेखों से मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनके समय काल में, शकों के समय काल में जो भारत के अन्य राजा रहते हैं उनके द्वारा भी चीज़ें मिलती है, जैसे सातवाहन नरेश, सातकर्णी के द्वारा भी चीज़ें मिलती हैं, उनके लेख में लिखवाया गया है। इसके अलावा भी अन्य शासक रहे हैं जिनके द्वारा शकों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। उसके अलावा सिक्कों के बारे में भी जानकारी मिलती है। भारत में जो पश्चिमोत्तर भारत, मध्य भारत और अफगानिस्तान वाले इलाकों में जो सिक्के जारी किए गए थे, एक तरीके से बोलिए रुद्रदामन के द्वारा भी सिक्के जारी किए गए थे, इन सभी शासकों के बारे में सिक्कों से भी काफ़ी जानकारी मिलती है। शकों के लेखों से तो मिलती ही है, सिक्कों से भी मिलती है, और भारतीय कुछ ग्रंथ हैं उनसे भी मिलती है। सबसे पहले शकों के लेखों से देख लेते हैं कि कौन कौन से लेख हैं जिनसे कि हम शकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो राजबुल का मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ लेख, एक स्तंभ लेख है, यह मथुरा में अवस्थित है, सिंह शीर्ष स्तंभ लेख है, ध्यान में रखिएगा। इससे जानकारी मिलती है शकों के बारे में, काफ़ी चीज़ जानने को मिलती है, उनके शासन में कौन कौन सी चीज़ें थी, किस तरीके से वो लोग शासन करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। सोडास का मथुरा दानपत्र लेख, यह ध्यान में रखिए, मथुरा में यह भी है। नहपान कालीन नासिक का गुहा लेख, नहपान एक शासक है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा, यह किस वंश के शासक है मैं आगे बताऊंगा आप सभी को, अच्छे तरीके से पता चलेगा कि नहपान किस, आपको नहपान जो थे वे नासिक के जो गुहा लेख लिखे हैं ये किस वंश के हैं। रुद्रदामन का गिरनार का लेख, गिरनार को जूनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। रुद्रदामन का अंधों का लेख, अंधों का मतलब कच्छ की खाड़ी को अंधों नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। अब सिक्कों के बारे में मैंने बता दिया, अब भारतीय ग्रंथों को देख लीजिए, तो रामायण, महाभारत व पुराण से जानकारी मिलती है शकों के बारे में। इसके अलावा कात्यायन का गार्गी संहिता है, गार्गी संहिता नाम के एक विद्वान है फ्रेंड, साहित्यकार हैं, ध्यान रखिएगा, प्राचीन इतिहास के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कात्यायन नामक एक साहित्य की रचना की है, और उसी साहित्य में किन के बारे में उल्लेख है तो शकों के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आप लोग को पता हो गया होगा। विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, यह भी एक विशाखा दत्त एक विद्वान है, उनकी रचना है देवी चंद्रगुप्तम, इसमें भी शकों के बारे में उद्धृत है, उल्लिखित है। राजशेखर का काव्य मीमांसा, राजशेखर भी एक विद्वान है, उनकी काव्य मीमांसा यह भी काफ़ी फेमस है पुस्तक है, इसमें भी उन्होंने जो वर्णित किया है जिन जिन चीज़ों के बारे में, शकों के बारे में भी देखने को मिलता है। जैन ग्रंथ है फ्रेंड्स एक कालकाचार्य कथानक, उसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ों को जानने को मिलता है, शकों के बारे में जानने को मिलता है। जैन ग्रंथ में एक बात और बताया गया है कि आज का जो उज्जैनी क्षेत्र है फ्रेंड्स, वहाँ पर एक राजा था, हिंदू राजा, वो शकों को खदेड़ दिया था। कहाँ से? उज्जैनी से। उज्जैनी से खदेड़ दिया तो वो लोग जाकर मथुरा में बस गए थे, और उनको खदेड़ने के उपलक्ष्य में फ्रेंड्स क्या हुआ था, को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए था। विक्रमादित्य, अभी तक इतिहास में मात्र 14 लोग विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हैं, गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं वह भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यह जो शासक था वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और विक्रम संवत चलाया, 58 से 57 ईसा पूर्व में यह विक्रम संवत की शुरुआत भी किया था। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बस बता दिया है। तो ये चीज़ मनुस्मृति जो है फ्रेंड्स, मनु की रचना है, उसमें भी इस आपको शकों के बारे में देखने को मिलता है। नोट मैंने यहाँ पर लिखा है, कुछ जान लीजिए। भारतीय साहित्य में शकों के प्रदेश को शक द्वीप या शक स्थान कहा गया है। शक द्वीप कहा गया है फ्रेंड्स कि आपको जो सिंधु नदी तंत्र है फ्रेंड्स, इस इलाके में शक अंत में आकर बस गए, इसी को शक द्वीप क्षेत्र कहा जाता है। और शक स्थान जो है फ्रेंड्स, यह ध्यान रखिएगा, शक स्थान जो है आज का जो दक्षिणी अफगानिस्तान जो है, उस इलाके को कहते हैं शक स्थान। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आइए इस मैप को जरा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, सरल तरीके से आप सभी को समझ में आएगा। यह एशिया का मैप है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा, यह है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये शकों का मूल स्थान है, शकों का मूल स्थान यह अरल सागर। आप लोग मैप जरूर रखिएगा, अपने अपने दीवार पर चिपकाइए और मैप को देखते रहिए, आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से चीज़ें। मैप को जरा सा ध्यान में जरूर रखिएगा। अरल सागर से फ्रेंड्स एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिरदरिया नदी, यहाँ पर देख लीजिए सिरदरिया नदी, वह कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से होकर गुजरती है, और शकों का मूल स्थान इसी सिरदरिया नदी के ऊपर में है,
यहाँ पर जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपको सको का मूल स्थान वहीं पर। तो यूची एक बताया था मैंने शुरू में, यूची एक क्या थी, जाति थी जो इन लोगों को खदेड़ देती है इनके मूल स्थान से। तो ये शक जो है भाग करके आ जाते हैं बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया आप सभी को पता है सिरदरिया नदी को पार करके शक जो है बैक्टीरिया में आ जाते हैं यूची जब खदेड़ते हैं। तो अब शक कौन थे इसके बारे में मैं आगे अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यूची जो जाति थे वो शकों को खदेड़ देते हैं इनके मूल स्थान से, तो ये भाग कर सिरदरिया नदी को पार करके बैक्टीरिया में आ जाते हैं, और बैक्टीरिया में आप सभी को पता है कि यवन शासक रहते हैं, यवनों का स्थान रहता है निवास स्थान। तो ये जो आते हैं शक यहाँ पर यवनों को परास्त करते हैं और यवन यहाँ से भाग जाते हैं और बैक्टीरिया में शक यहाँ पर रहने लगते हैं। लेकिन पुनः क्या होता है, यूची जो जनजाति जो खदेड़ी थी इनको मूल स्थान से पुनः यहाँ से भी खदेड़ देती है, तो यह बैक्टीरिया से भाग करके दो दो दिशाओं में भागते हैं, एक तो दक्षिण की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ वो ईरान की तरफ भागते हैं और दक्षिण में वे कपिसा की तरफ भागते हैं। कपिसा फ्रेंड्स एक प्रांत है अफगानिस्तान का, अभी ध्यान में रखिएगा, अफगानिस्तान का प्रांत है, वहाँ पर भागते हैं दक्षिण की तरफ। और धीरे धीरे जो ईरान की शाखा है फ्रेंड्स, ईरान की जो शाखा वाले क्षत्रप थे वही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे पूर्वी ईरान तक आते हैं, और पूर्वी ईरान पर फ्रेंड्स पर्थियन शासकों का राज चलता है। तो जो ये ईरान तक जो शक आए हुए थे ये पर्थियन शासकों को हराते हैं, लेकिन दो शासकों को हराते हैं, पर्थियन दो शासकों को हराते हैं और यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन पुनः पर्थियन का एक और शासक काफ़ी शक्तिशाली होता है, इनको पराजित करता है, तब ये भाग करके कहाँ पर आते हैं, अफगानिस्तान के दक्षिणी वाले इलाका में, और दक्षिणी वाले इलाका में वो रहते हैं और वहाँ से इनका पलायन होता है किस किस क्षेत्रों में, तो आपको आगे की तरफ सिंध में होता है और एक तरफ सिंधु नदी का जो तंत्र है उस इलाके में होता है, काबुल कंधार इस वाले इलाके में भी होने लगता है। ये कहानी आप लोग को समझ में लगभग आया होगा, नहीं आया होगा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दो बार तीन बार सुनिए जरूर आपको समझ में आएगा। आइए शकों की उत्पत्ति और प्रसार के बारे में देख लेते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और उन कैसे कैसे फैलते गए हैं। शक जो है फ्रेंड्स एक खानाबदोश तथा बर्बर जाति थी। खानाबदोश कहने का मतलब बस अपने पेट भरने से उनका मतलब है, वैसी जातियाँ जिनको अपने पेट भरने से मतलब है, उसके बारे में ज़्यादा उससे ज़्यादा के बारे में भी नहीं सोचते हैं, पेट भर गया बस हो गया। खानाबदोश यानी ययावर जाति, इसी को ययावर या घुमंतु बोलते हैं, वे अपने पेट पालने के लिए घूमते रहते हैं, जहाँ पे उनको भोजन की तलाश में मिल गया भोजन वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पर रुकेंगे भोजन करेंगे और फिर आगे भोजन की तलाश में आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो उन्हीं को ययावर या खानाबदोश बोलते हैं। बर्बर तो बर्बर का मतलब असभ्य होता है, असभ्य होता है, क्रूर होता है, इसके अलावा जंगली होता है, तो ये लोग जंगली जाति थे, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चीनी ग्रंथों से पता चलता है कि 165 ईसा पूर्व में यूची जाति, जिसको मैंने बताया था फ्रेंड्स, यूची जाति शकों के मूल स्थान से खदेड़ देते हैं जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, और क्या कहते हैं शक सिरदरिया नदी को पार कर बैक्टीरिया के यवनों को हराते हैं, बैक्टीरिया के यवन को हराते हैं और यवन वहां से भाग जाते हैं और वे बैक्टीरिया में शक जो है रहने लगते हैं। पुनः यूची ने शकों का पीछा किया और हराया, यानी बैक्टीरिया में भी यूची आते हैं और शकों को परास्त करते हैं, पराजित करते हैं। तब क्या होता है फ्रेंड्स, शक दो शाखाओं में विभक्त होते हैं, एक दक्षिण में और एक पश्चिम में। दक्षिण में किन पिन जिसे कपिसा के नाम से भी जाना जाता है, वो अफगानिस्तान का एक प्रांत है, और पश्चिम में ईरान तक जाते हैं, और ये ईरान की जो शाखा है फ्रेंड्स यही धीरे धीरे भारत में शासन करने का काम करती है, जिसमें रुद्रदामन होते हैं या आगे भी जो जिस जिस राजाओं के बारे में बताऊंगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। यही आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि भारत में जो शक आए थे वो कहाँ से होकर आए थे, तो पूर्वी ईरान से होकर आए थे, यह ध्यान रखिएगा, प्रश्न बार बार पूछा गया है। आइए अब आगे बात करते हैं शकों की प्रमुख शाखा कौन कौन सी थी। तो पांच शाखाएं थी फ्रेंड्स, और पांचों की अलग अलग राजधानी थी। पंजाब की राजधानी, पंजाब के बारे में, उसकी राजधानी के बारे में मिलता है तक्षशिला। हम लोग हिंद यौनों के बारे में जब पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में फ्रेंड्स, तो उसमें आप लोग उनकी राजधानी सियालकोट या आप लोग साकल देखने को मिला था, साकल, सियालकोट या साकल उसी को बोलते हैं प्राचीन काल में, अभी तो सियालकोट बोला जाता है, पहले उसको साकल के नाम से जाना जाता था, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन शकों की राजधानी अलग अलग थी, अफगानिस्तान वाले आपको शाखा की अलग राजधानी थी, पश्चिमी भारत की अलग थी, ऊपरी दक्कन की अलग थी, मथुरा की अलग थी, और पंजाब राजधानी की जो तक्षशिला थी उसकी अलग थी। एक तरीके से देख लीजिए उसकी पांच शाखाएं थी। अफगानिस्तान वाले इलाका को आप लोग समझ रहे हैं, पश्चिमी भारत को आप लोग समझ लीजिए, पश्चिमी भारत में सिंध पड़ता था, इसके अलावा नीचे जब आइएगा गुजरात पड़ता था, उसके नीचे आइएगा तो ऊपरी दक्कन यानी महाराष्ट्र वाला इलाका, मथुरा पड़ता था उत्तर प्रदेश में, उज्जैनी भी पड़ता था,
उज्जैनी आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ये ऊपरी दक्कन में आ जाएगा। आप लोगों को समझ में ये चीज़ें आ रहा होगा। आइए अब आगे की चीज़ों को बात करते हैं। शक वंश के प्रमुख शासक को देख लेते हैं, उसके बाद प्रमुख तथ्य को देख लेंगे, उस तरीके से हमारा यह जो है समाप्त हो जाएगा। तक्षशिला के शक वंश के प्रमुख शासकों के बारे में देख लेते हैं। तो तक्षशिला के मेउस, एजेज तथा एजिलिसेज, ये तीन शासक काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेउस के उत्तराधिकारी एजेज, एजेज के उत्तराधिकारी एजिलिसेज, ये काफी इंपोर्टेंट है। छहरात वंश नासिक का फ्रेंड्स, या नापान नाम है उन शासक का, मैंने बताया था नापान एक इनका नासिक में आपको लेख मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुहा लेख है। तो ये नासिक के रनल, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो छहरात वंश था फ्रेंड्स, वही महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक में, और नापान शासक का नाम है। कार्दमक वंश जो सौराष्ट्र और वह मालवा में पड़ता है, उसके चष्टन राजा, यह काफ़ी इंपोर्टेंट है चष्टन राजा के बारे में। सौराष्ट्र जो है गुजरात का जो इलाका पड़ता है फ्रेंड्स, यह है काठियावाड़ और सौराष्ट्र इसके ऊपर वाले, यह कच्छ पड़ता है, और इसी को मिलाकर सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा गुजरात के अलग अलग इलाकों के बारे में। महाछत्रप रुद्रदामन, यह भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। छत्रप और रुद्र, छत्रप और महाछत्रप किसे कहते हैं, इसे मैं आगे यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। आइए प्रमुख तथ्य को देख लीजिए। छत्रप शक नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक छत्रप कहे जाते थे। छत्रप किसे कहे जाते थे, तो शक नरेशों के, एक सेकेंड यहाँ पर ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख तथ्य को देख लीजिए एक बार और। छत्रप, छत्रप किसे कहते हैं, तो शक नरेश जो थे फ्रेंड्स भारतीय प्रदेशों के शासक छत्रप कहे जाते थे। यानी शक नरेशों के अधीन, मान लीजिए कोई सम्राट है और उसके अधीन जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे फ्रेंड्स, उसी को छत्रप कहा जाता था, और जो बड़ा राजा हुआ करता था, जो सम्राट हुआ हुआ करता था, उसको महाछत्रप कहते हैं। तो महाछत्रप आप लोग इनके बारे में जानते होइएगा। रुद्रदामन का, रुद्रदामन का इलाका आप लोग जान लीजिए, काठियावाड़ था फ्रेंड्स, इनका सिंध पर भी इनका कब्जा था। इसके अलावा कोंकण पर इनका ये प्रभाव था, महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग कोंकण कहलाता है। इसके अलावा जो फ्रेंड्स आज का जो नर्मदा के, नर्मदा नदी घाटी है उस इलाके में भी पड़ता है। इन सारे क्षेत्रों पर इनका कब्जा था। ये काफ़ी महान शासक हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। भारत के, भारत में शक पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर आया, मैंने ऊपर भी बता दिया है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख मनाता है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से पता हो गया होगा। तो आगे मैंने बताया फ्रेंड्स, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक में यही इतिहास को ही आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।